उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में नहीं मिले मैथ के टीचर। प्रदेश सरकार ने पिछले साल विज्ञापन निकाला, परीक्षा की गई और सीटें खाली चली गई। हजारों हजार ने प्रतिभाग किया उसमें, लेकिन मैथ के टीचर नहीं मिले। चलिए आंकड़े मैं बता रहा हूँ। एलटी ग्रेड की परीक्षा हुई थी माध्यमिक विद्यालयों में। गणित या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPSSC ने कुल 1035 पदों के लिए आवेदन मांगा था। 29,690 लोगों ने प्रतिभाग किया था और कितने सफल हुए, लड़के और लड़कियां मिल करके यह 435 सफल हुए और 600 सीटें खाली चली गई। अब अगली बार उसका विज्ञापन फिर विज्ञापित कराया जाएगा और हमारे बच्चे उसमें तैयारी करके जाएंगे। बड़ा ख़राब आंकड़ा है। मेरा तो मैथ बड़ा कमज़ोर है भाई, मैं कह नहीं सकता, लेकिन यह देख करके बड़ा तरस आ रहा है। दिन भर बच्चों को पढ़ते हुए देखता हूँ, कोचिंग कर रहे हैं जा करके, गरीब माँ बाप अपने बच्चों को शहरों में भेज रहे हैं, अच्छी अच्छी कोचिंग में दाखिला दिलवा रहे हैं और सारे विद्यालय अच्छे हैं साहब, पूछना क्या। प्राइवेट से लेकर के सरकारी हर जगह गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जा रही है और यह 1035 में 600 सीटें खाली रह गई। ऐसे अब बता रहा हूँ, विज्ञान वर्ग में भी यही हाल है। विज्ञान वर्ग में 1045 पदों के लिए यह किया था, लोगों ने प्रतिभाग किया था। 15,436 प्रतिभागी थे जिसमें 961 सीटें रिक्त रह गई। साहब कितना रह गई, 1045 में 961 सीटें रिक्त रह गई। साहब साइंस से इतनी दूरी क्यों, अगर पढ़ भी रहे हैं तो मनोयोग से क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। एक बार श्री आदित्यनाथ योगी जी ने कहा था तो मैंने भी उस पर वीडियो बनाया था, उन्होंने कहा कि नौकरी की कमी नहीं है, आवश्यकता इस बात की है कि सुयोग्य अभ्यर्थी मिले, वह नहीं है। तो इस मामले में तो उनकी बात ठीक लग रही है। माना कि हर मामले में नहीं है, नाल सभी मढ़ाते हैं, लेकिन अगर यह परीक्षा ईमानदारी से हुई है, चलिए वह पूरी सीटें भर लेते अगर प्रतिभागी सही ढंग से प्रतिभाग किए होते और परीक्षा को क्वालिफाई करते, लेकिन मिले ही नहीं उनको। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कोताही हो रही है इसमें। मूल रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार के बच्चों ने प्रतिभाग किया था, छात्र और छात्राएं दोनों ही थे। तो गणित और साइंस से, विज्ञान से इतना दूरी क्यों, अभी भी समय है, लगने की आवश्यकता है। मैं देखता हूँ जो प्राइवेट विद्यालय हैं, नामी गिरामी विद्यालय हैं, उनकी भी हालत देखता हूँ, यदा कदा जाता हूँ, उनके पास भी साइंस के टीचर अच्छे नहीं हैं। कभी कभी बात होती है तो देखता हूँ किस प्रकार भटक रहे हैं। ऐसे में मैं चाहूँगा कि बगैर देर किए फिर वैकेंसी निकलेगी। हालांकि जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है यह नियुक्ति भी अभी लटकेगी, क्योंकि यह मामला कोर्ट में गया है। सरकारें भी चाहती हैं कि कोर्ट में मामला लटका रहे और हम अपना शासन चलाते रहें और ऐसे ही लंबित रहे, साल दो साल चार साल छः साल दस साल उम्र बीत जाए। तो इस तरह से सरकारें भी चाहती हैं, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमियां छोड़ती हैं जिसके वजह से प्रतिभागी कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में याचिकाएं करते हैं, कोर्ट में सुनवाई होती है और इनके महाधिवक्ता हुजूर से अभिप्राय है। हुजूर एक चेयर है, उस पर विभिन्न लोग बैठते हैं समय समय पर, जिनको जनता बैठाती है वो बैठते हैं। हुजूर का अभिप्राय आपने समझ लिया होगा, CM से है और CM साहब के मतलब शासन के महाधिवक्ता जाएंगे ही नहीं, कोर्ट में सुनवाई होगी, जैसा कि अभी 69,000 शिक्षक भर्ती वाले मामले में हुआ था। तो 6 बार 7 बार नहीं गए साहब, मोटी मोटी मोटा मोटा वेतन लेते हैं, दैनिक भत्ता और सुविधाएं लेते हैं, साहब नहीं गए, आज तक मामला चल रहा है। तो ये अभी कोर्ट में ही लटका हुआ है। लेकिन गणित में 29,690 लोगों ने प्रतिभाग किया और 1035 सीटें थी, 600 रिक्त रह गई, 435 लोगों ने क्वालिफाई किया। इसी तरह से विज्ञान वर्ग में 1045 रिक्त पदों के लिए जो परीक्षा हुई थी, 15,436 लोगों ने प्रतिभाग किया था, 961 सीट रिक्त रह गई। जनक जी ने कहा था धनुष तोड़ने के समय, जब तमाम राजा आए, देश देश के भूपति नाना और आयो सुन जो मैं प्रण ठाना, प्रण उन्होंने ठाना था कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का स्वयंवर होगा। लेकिन अंत में जब सभी तोड़ने में असफल रहे तो जनक जी ने कहा, अब जनिको माखे भटमानी, अब अपने को कोई वीर मत कहे,
अब जनिको माखे भटमानी वीर विहीन मही मही जानी। हमने समझ लिया कि यह धरती वीरों से खाली है। भैया जनक जी की बात मैं नहीं कर रहा, या भी नहीं कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश और बिहार उच्चतम प्रतिभागियों से खाली हो गया है। अभी से समय है, लग जाइए और परीक्षा क्वालिफाई करिए। प्राइवेट सेक्टर में भी जो बता रहा हूँ ना, बड़े बड़े विद्यालय हैं, नामी गिरामी विद्यालय हैं, जिनकी फीस मंथली 5,000, 4,000, 6,000 है, उनके यहाँ भी अच्छे टीचर ठीक से नहीं मिल रहे हैं। काम तो बहुत लेते हैं लोग, वहाँ भी आवश्यकता है। तो मैं आपसे विनम्रता के साथ, जो भी हमारे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनसे कहना है कल कभी नहीं आता, अभी से डट जाने की आवश्यकता है और अगली परीक्षा में या रिक्तता न रहे। विदेश के लोग क्या देखेंगे और प्रदेशों के लोग क्या देखेंगे, चलिए हम ही क्या देखेंगे कि 1,000 कुछ सीटों में बच्चे ही नहीं मिले, 900 खाली रह गई और इसी तरह से गणित में खाली रह गई, 600 सीटें खाली रह गई। चलिए मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से आज अपने नौनिहालों को जगाते हुए, जो प्रतियोगी छात्र हैं उनका उत्साह वर्धन करते हुए, हमने जामोंद का रोल किया था अभी रामलीला में। जामोंद का काम है धक्का देना, कहीं गाड़ी रुकती है तो बढ़ा देना आगे, बस यही करना, ललकार देना है, ललकार देना है। का चुपसा दिरा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, ऐसे ही कर देना है। तो फिर क्या पता आपका जोश जो है, जो सुसुप्त भावनाएं हैं, वह जग जाएंगी तो मुझे अच्छा लगेगा और कुछ बेहतर होगा। धन्यवाद, नमस्कार।